तो आपको हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूं सारण्य परिवार और सीबीआई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स काफ़ी इन्वेस्टर्स को मिलाकर के करोड़ों का अमाउंट जो है बन रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई इस कंपनी में इसलिए इन्वेस्टमेंट की थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही नेशनल लेवल की नहीं इंटरनेशनल लेवल में भी इसका नाम हो रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए गरीबों ने भी अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की कि उनको हाई मैच्योरिटी मिल सके, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकी स्कीम्स में दिखाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मतलब अगर बाकी अदर कंपनी से भी कंपेयर किया तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ठीक ठाक था उस 2003 से ही। तो इनकी इन्होंने 2003 या 2004 में भी अपनी नई स्कीम्स को अच्छे लॉन्च किया था और जिसमें इनके साथ लाखों इन्वेस्टर्स जुड़ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी पब्लिक का पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाया था। बात करें सार इंडिया परिवार के सिलसिले में तो यहाँ पे इनके जो मुखिया है सुब्रत रॉय सहारा जी, ये कोर्ट केस में जितने भी केसेस चल रही हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सार इंडिया परिवार के बीच में, पहले हाई कोर्ट में चल रहे थे, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो जब ये बेस ही नहीं होंगे तो कैसे फैसला लेगा और अगर फैसला नहीं होगा तो इन्वेस्टर्स को पैसे कैसे मिल पाएंगे। रही बात गवर्नमेंट के बारे में तो गवर्नमेंट यहाँ पे जंतर मंतर ग्राउंड में जो है दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिल करके भी, लेकिन और सरकार से अपील भी की थी कि वो उनका पैसे को रिफंड कराने के लिए मदद करे और उनके पैसे को रिफंड कराए, क्योंकि सार इंडिया परिवार में जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया था उनमें से काफ़ी लोग वो थे जिन्होंने रोज़ कमाया और रोज़ खाया और यानी कि बहुत ही गरीब लोगों का भी पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। तो इस वजह से सरकार से अपील है कि बहुत से जल्द इनके इन्वेस्टर्स का पैसे को दिलवाएं, जिससे कि वजह से लोग अपने पैसे का सही सदुपयोग कर सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी से, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।